दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टीम इंडिया ने रोंदा सितारों से सजा ऑस्ट्रेलिया, जडेजा अक्षर के साथ कप्तान रोहित बने भारत की जीत के हीरो, तो धोनी भी इंडिया के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए रोहित और जडेजा के लिए जो बयान दिया उनकी बातें सुनकर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सलाम ठोकने को मजबूर हो जाओगे। तो क्या कुछ कहा महेंद्र सिंह धोनी ने उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर पाएंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की कमान अपने कंधों पर उठाकर रोहित शर्मा ने शानदार खेल दिखाया, वो वाकई में काबिले तारीफ है। दोस्तों रोहित के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन उसके बाद सभी चीजें रोहित और टीम इंडिया के पक्ष में रही है। पहली पारी में अश्विन, जडेजा और शमी ने मिलकर कंगारुओं को महज 263 रनों पर समेटा, तो फिर बल्लेबाजी करते हुए रोहित ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई। हालांकि टीम इंडिया शानदार बल्लेबाजी के बाद भी ऑस्ट्रेलिया से एक रन पीछे रह गई, लेकिन सलाम रविंद्र जडेजा को या दोस्तों तीसरे दिन की सुबह ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सात दिग्गज ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को अपनी फिरकी का शिकार बनाकर भारतीय टीम की जीत की पटकथा लिख दी। रविंद्र जडेजा के सामने पूरी कंगारू टीम 113 रनों पर ढेर हो गई, तो वहीं भारत को 114 रनों का लक्ष्य मिला, जिसका पीछा करते हुए भारत ने बड़ी आसानी से इस महामुकाबले को अपने नाम कर लिया। इसी के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली, जिसके बाद धोनी भी बेहद खुश है। उन्होंने टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा कि क्या बात है जड्डू, ये होती है वापसी। किसने सोचा था कि भारत इतना शानदार खेल दिखाएगा। दो दिन में जडेजा रोहित ने जो कारनामा किया वो वाकई में काबिले तारीफ है। गेंदबाजी में तो रविंद्र जडेजा का कोई मुकाबला नहीं है। इसी के साथ धोनी ने कहा कि रोहित ने अपने ऊपर काफी काम किया है और हमें एक नया रोहित शर्मा देखने को मिला है, और मैं उम्मीद करता हूँ तीसरा और चौथा मुकाबला भी जीतकर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करेगी। तो दोस्तों धोनी का बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।